आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर नवी मुंबई महाराष्ट्र से, अजेंद्र अग्री चीफ रिपोर्टर के साथ। नवी मुंबई के नेरुल में एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का भव्य स्वागत किया गया। योगेश शिंदे के निवास पर आयोजित इस समारोह में तोगड़िया जी ने हिंदू समाज की एकता और सुरक्षा पर जोर दिया, जो वर्तमान समय की एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। तोगड़िया जी ने सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हिंदू समाज को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करनी होगी। इस संदेश ने उपस्थित लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार किया और उन्होंने अपनी संस्कृति को संजोने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हिंदू समाज के विकास और सुरक्षा को लेकर उनकी प्रतिबद्धता अडिग है। हमारा संगठन हिंदू समाज के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा और समाज को संगठित और मजबूत बनाएगा। इस वाक्य ने समाज में एकता का सूत्र प्रदान किया, जिससे हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता का एहसास हुआ। योगेश शिंदे ने तोगड़िया जी का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कहा, हमें गर्व है कि तोगड़िया जी हमारे घर पधारे हैं। हम उनके नेतृत्व में हिंदू समाज की एकता और सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। उनके इन शब्दों ने उपस्थित जनों के मन में गर्व का अनुभव कराया। इस कार्यक्रम में दिग्गज हिंदू संगठनों के नेता और कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर उपस्थित रहे। तोगड़िया जी ने सभी को एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा दी, ताकि समाज की समस्याओं का समाधान किया जा सके। सामाजिक एकता और सुरक्षा को लेकर उनके विचारों ने हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार नेरुल में आयोजित यह समारोह एक नई प्रेरणा का स्रोत बन गया, जिसने हिंदू समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने अधिकारों और संस्कृति की रक्षा करने के लिए सजग रहने की आवश्यकता का एहसास कराया। इस नवरात्र में देश में हजारों स्थानों पर शस्त्र पूजन कहीं चंडी पाठ के कार्यक्रम भी हुए हैं। यह शस्त्र पूजन वीर हिंदू विजेता हिंदू हिंदू वीर है विजेता बने, इसलिए धीरे धीरे घरों घरों में शस्त्र पूजन की परंपरा हम आगे। और इस समय देश में हमारी बहन बेटियां काफी असुरक्षित है, तो कन्या पूजन के कारण महिला सम्मान और सुरक्षा का समाज में भाव बढ़ेगा। दीपावली आ रही है, दीपावली में हम घरों घरों में जाकर अच्छे पुराने कपड़े एकत्रित करेंगे, गरीबों को बांटेंगे, बांटते समय संभव है तो बच्चों को मिठाई दें। पिछले वर्ष अहमदाबाद हमने पुराने कपड़ों का मॉल लगाया, एक लाख सबको कहा था कि अंदर एंट्री लेने पसंद के दो कपड़े लेकर निकल जाते। तो इस बार भी जगह जगह पर ऐसे कपड़े का मॉल लगाने का काम करेंगे। ऐसी अनेक प्रकार की अच्छी गतिविधियां बढ़ रही। जय श्री राम। सर, हिंदुओं के लिए जो कपड़े का जो आप करने वाले मॉल लगाने वाले, उसे कोई प्राइस देगा? बस फ्री में दे दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। ओके, आज जो नई मुंबई में आप यहाँ पर आए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोगों का व्यवहार, ये सारी चीजें। चलो सर, महिलाएं मतदान। मेरा नाम योगेश शिंदे है, मुंबई प्रमुख। आज मेरे घर पे प्रवीण भाई तोगड़िया जी आए थे, उन्होंने आके मेरे ऊपर किया कि उनके बारे में मैंने बहुत बार सोचा था, बुलाया था, मगर कभी आ नहीं पाए। उसके बाद आज मेरे घर पे प्रवीण भाई आ गए, मैं बहुत बड़ा धन्य हो गया। और मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे जो पुलिस कर्मचारी है, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को सपोर्ट किया, सहकार्य किया, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया। उनके लिए मैंने ये उनका धन्यवाद करने के लिए ये चीज कर रहा हूँ।
ठीक है।